आइए दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया। सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बना लेते हैं। बुक एग्जीबिशन है जहाँ पर 4 डे का फेयर लगा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब डेज लिखेंगे कितने डेज थे, फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, थर्ड डे था और फोर्थ डे था। ये 4 दिन हमने लिख दिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट अ काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, यहां पर अब लिख दीजिए आप, सेकंड कॉलम बनाइए टिकट सोल्ड का। टिकट सोल्ड का आपने कॉलम बना लिया। टिकट सोल्ड में फर्स्ट डे में कितने टिकट सोल्ड हुए, 1094। सेकंड डे में कितने हुए, 1812। थर्ड डे में कितने हुए, 2050 और फोर्थ डे में कितने हुए, 2751। इतने टिकट आपके सोल्ड हुए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। अब यहाँ पे क्या करना है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उसमें कितने टिकट सोल्ड होते हैं उसका टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल आप करेंगे तो देखिए अब इसको क्या करना है, आपको एडिशन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। एडिशन करना है, कैसे करेंगे, कर दीजिए 4, 2, 6, 6 + 1, 7 आ गया ये, ठीक है ना। फिर 9 + 1, 10, 10, 5 + 5, 20। तो 0 यहाँ कर दीजिए, 2 यहाँ कैरी कर दीजिए, 8 + 2, 10 + 7, 17 और एक और कर दीजिए 1, 2, 3। 4 + 3 क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। 4 + 3 क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7, 7, 0, 7 ये आप यहाँ बना, ये दोस्तों इतने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हो रहे हैं। तो आंसर भी लिख दीजिए इसका इस तरह से वर्ड फॉर्म में, टोटल 7, 7, 0, 7 टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, ठीक है ना। टोटल इतने नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड हो जाएंगे दोस्तों। यहां पे क्या, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन ऑल 4 डेज, ठीक है। इस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।